हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष पाठक है। दोस्तों, हम कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, अदर स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, हमारे हर एग्जाम में एक पोर्शन हमेशा पूछा जाता है, जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या है? जैसे आप लूसेंट में देखते हैं, पीछे साइड मिसलेनियस वाला पार्ट दिया रहता है। मिसलेनियस मतलब विविध। विविध में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो याद करने में थोड़ी दिक्कत जाती है, परेशानी जाती है। मुझे भी दोस्तों बहुत परेशानी आ गई, बहुत समस्या आ गई, लेकिन 4-5 साल 6 साल पढ़ने के बाद जाके मुझे चीज़ें समझ में आई कि हाँ, किस तरह से पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है। तो हम इस स्टैटिक जीके को थोड़ा आराम से कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। यूट्यूब में आने का मैं बहुत पहले से सोच रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ मेरा बन नहीं पा रहा था। तो स्टैटिक जीके में हम पहले पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा। हमारा स्टैटिक जीके में ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो दो पार्ट में रहेगा। इसका पहला पार्ट है, आप देख लीजिए, ये है स्टैटिक जीके पार्ट वन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो फेमस हैं, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है और कौन कौन से ऐसे, उन सारे को हम एक साथ देख लेंगे। तो हम ट्रिक के मैदान में इनको बैठाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा देखिए WHO, सबको पता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा देखिए WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद की क्रम की बात करें हम WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। फिर हम बात करते हैं WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में हम देखते हैं UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, यहां से यहां तक अगर आप देखिए तो ये WWWWW, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WMO, WIPO और WEF, अगर हम इनको एक साथ याद करना चाहें तो इन सब का हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं कि इन सब का हेडक्वार्टर है कहां? जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आपके ऑप्शन में, आपके प्रश्न में अगर W से क्वेश्चन आता है कि WTO कहाँ है, WMO कहाँ है और WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेकिन एक चीज है, WTO दो तरह का है। एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है, और एक है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय स्पेन है, स्पेन में आपका जो है स्पेन में है, ठीक। तो हमको क्या है, WTO, वो WTO कभी एग्जाम में पूछता है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपने इसको सेट कर लिया, WTO, WHO, WMO, WIPO, WEP और अब बचा दो, ILO और UNCTAD। तो दोस्तों, लास्ट में सबके ओ है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, माइंड सेट कर सकते हैं कि ओ है लास्ट में, ठीक। बाकी आपका तो ये W से क्लियर ही हो रहा है, अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे, और सॉरी, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे, तो यहाँ पे आपका सेट हो रहा है सब W से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ILO कर दीजिए और ये UNCTAD, इन दोनों का भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर आपने इतना कर लिया तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में के सारे जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वो सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट पार्ट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बचे हुए हैं, मैं आपको वो सारे ऑर्गेनाइजेशन
बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिकी मेथड में बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और स्टैटिक जीके के इस पोर्शन में बने रहिए। अगली बार मिलूंगा, नमस्कार।